हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरी आर्ट और क्रोशेट गैलरी में आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, ये मैंने न्यू बॉर्न स्वेटर बनाया हुआ है। बहुत ही आसान है बनाने में और डबल क्रोशिया से ही बन जाता है। चेन्स और डबल क्रोशिया से ये बहुत ही आसानी से और बहुत जल्द बन जाता है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ ये कैसे मैंने बनाया हुआ है। तो चलो अभी हम ये शुरू करेंगे। तो हमें पहले, मैंने ये नाइन, आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 नंबर की ये हुक जो है वो 9 नंबर का है। 3.550 mm का है। तो मैंने इससे 50 चेन्स बना लिए हैं। पहले हमें 50 चेन्स बना लेने हैं, उसके बाद एक छोड़ देना है, और उसके बाद हमें एक छोड़ने के बाद 6 डबल क्रोशिया डालने हैं इसमें। ये हम फर्स्ट लाइन लेंगे, 2, 3, 4, 5 और 1, 6। 6 डबल क्रोशिया होने के बाद नेक्स्ट वाली जो चेन है उसमें हम 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया ऐसे कॉर्नर ले लेंगे। इससे हमारा ये एक कॉर्नर आ गया यहाँ पे। अभी जो है हमें यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया डालने हैं नेक्स्ट 10 चेन्स में। तो हम ये 10 डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। फिर से हमें कॉर्नर लेना है। कॉर्नर के लिए फिर से हम यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया। इसके बाद हमें 14 डबल क्रोशिया नेक्स्ट 14 चेन्स पे लेनी है। तो हम ये 14, अभी जो नेक्स्ट 14 डबल क्रोशिया है वो कंप्लीट करेंगे। अभी मेरे 14 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट वाली चेन में फिर से कॉर्नर बनाएंगे। उसके लिए हमें 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया। इसके बाद हमें यहाँ पे सेम रिपीट करना है। हम 10 चेन में 10 डबल क्रोशिया ले लेंगे, फिर एक कॉर्नर आ जाएगा और फिर सामने के 6 डबल क्रोशिया आ जाएंगे। ऐसे करते हुए हम ये लाइन कंप्लीट करेंगे। अभी आप देख सकते हैं हमारी फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो चुकी है और ये ऐसे एकदम से अच्छी दिख रही है। तो अभी हम यहाँ पे, यहाँ से फिर से लाइन शुरू करेंगे और हमारी एटलीस्ट 5 लाइन होने के बाद मैं आपको अभी दिखाऊंगी। और ध्यान रखना है हर बार ये जो हमारा कॉर्नर है इसमें 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया ऐसे ही रिपीट करना है। वहाँ पे हर कॉर्नर में सेम वैसे ही आएगा, 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया। ऐसे करते हुए हम ये 5 लाइन्स, टोटल 5 लाइन्स हम पहले कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, ये मेरे 5 लाइंस हो चुके हैं। हम इसको एक बार मेजर कर लेंगे। ये देखिए, ये 3 इंच हो गई है। आप देख सकते हैं ये 3 इंच हो गया है। हमें ये 4 इंच करना है, यानी हमें और 2 लाइंस करने होंगे। तो अभी हम 2 लाइंस कंप्लीट करेंगे और उसके बाद नीचे का पोर्शन आएगा और फिर बाद में हम स्लीव्स बनाएंगे। तो अभी 2 और लाइंस हम बना लेंगे। तो अभी हमारा ये 4 इंच हो चुका है। अभी हम यहाँ से फिर से डबल क्रोशिया लेते हुए जाएंगे और हमारा नीचे का जो पोर्शन है वो हम बनाएंगे। तो अभी हम कॉर्नर तक सिर्फ डबल क्रोशिया डालते हुए जाएंगे। ये जो हम बना रहे हैं वो एकदम न्यू बॉर्न बेबी का है, इसलिए इसको ज़्यादा बड़ा बनाना नहीं है। अभी यहाँ से हम कॉर्नर तक जाएंगे डबल क्रोशिया डालते हुए। आपको बड़ा बनाना है अगर, तो आप बीच में जो कॉर्नर में हमने 1 डबल क्रोशिया लिया था वहाँ पे आप, अगर हेल्दी बेबी है ज़्यादा, तो आप वहाँ पे 1 के बजाय 2 डबल क्रोशिया डालते हुए भी आप बढ़ा सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ तक कंप्लीट करूँगी। मेरा कॉर्नर अभी आ चुका है। वो कॉर्नर में हम देखिए, ये कॉर्नर आ चुका है। ये कॉर्नर में मैं
एक डबल क्रोशिया ले लूँगी, फिर एक चेन, और फिर यहाँ पे हम ये ऐसे फोल्ड करते हुए नेक्स्ट वाला जो हमारा कॉर्नर है इस तरफ का, वहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया ले लेंगे, इससे हमारा ये जॉइन हो जाएगा। फिर हम ऐसे ही सेम मैं यहाँ पे पूरे डबल क्रोशिया लेते हुए जाऊँगी और फिर ये हम ऐसे ले लेंगे। तो ऐसे करते हुए हम मैं अभी यहाँ तक ये कॉर्नर तक मेरा डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए मैं फिर से मेरा कॉर्नर तक आ चुका है, मैं फिर से वहाँ पे एक डबल क्रोशिया ले लूँगी, उसके बाद एक चेन, और उसके बाद ये नेक्स्ट कॉर्नर में हम एक डबल क्रोशिया ले लेंगे। ऐसे करते हुए हमें ये ज्वाइन कर लेना है। आप देख सकते हैं मैंने ये ज्वाइन कर लिया है दोनों तरफ से, और हमारा ये ऐसे हो गया है। अभी हम ये नीचे ये पूरी लाइन मैं यहाँ तक कंप्लीट करूँगी, और फिर मैं पूरा 8 इंच तक, यानी ये 4 इंच हो गया है, इसके नीचे यहाँ तक 8 इंच यानी 20 सेंटीमीटर्स तक मैं ये पूरा कंप्लीट करूँगी, यानी हमारी हाइट कंप्लीट हो जाएगी। और फिर बाद में मैं आपको स्लीव्स का बताती हूँ। देखिए ये मैंने पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। अभी हम ये नीचे से जो बनाएंगे उसके बीच में आप देख सकते हैं मैंने एक चेन ली है, वहाँ पे हमें एक सिंगल सॉरी एक डबल क्रोशिया लेना है, और हम ऐसे ही लाइंस कंप्लीट करते हुए पूरा ये ऐसे ही 8 इंच तक हम पूरा इसकी हाइट आ जाएगी। तो अभी ये हम कंप्लीट करेंगे। देखिए ये मैंने पूरा 8 इंच पूरा हमारा हो चुका है। मैंने यहाँ से हमने ज्वाइन करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 लाइंस ले लिए हैं। इससे हमारा ये जैकेट जो है, छोटा सा जैकेट स्वेटर बोल सकते हैं इसको, ये 8 इंच हो चुका है। अभी इसके बाद मैंने स्लीव्स के लिए यहाँ पे धागा ज्वाइन कर लिया है। तो अभी हम यहाँ पे डबल क्रोशिया डालेंगे, उसके लिए एक हमारे स्लिप स्टिच से वहाँ पे मैंने ज्वाइन कर लिया है। मैंने 2 चेन ले लिए हैं, फिर हमें हर एक इसमें एक एक डबल क्रोशिया, ऐसे हमारी ये फर्स्ट लाइन आ जाएगी। तो हम ये लाइन ऐसे ही पूरी करेंगे। उसके बाद हमें ये लाइन होने के बाद नेक्स्ट जो लाइन है उसमें हमें 7 डबल क्रोशिया होने के बाद एक कम करना है। तो अभी मैं पहले ये लाइन कंप्लीट कर लूँगी। तो ऐसे हम ये डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया ऐसे कंप्लीट करेंगे। मैंने ये स्लिप स्टिच से यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। ये 29 डबल क्रोशिया आ गए हैं, और मैंने जो 2 चेन लिए थे उसको मैंने एक काउंट किया है। फिर से हमने वहाँ पे 3 चेन ले लिए हैं, उसके बाद हमें 7 डबल क्रोशिया डालने हैं, 3 4 5 6 और ये 7। उसके बाद हमें नीचे का छोड़ देना है, छोड़ना यानी हम स्किप भी कर सकते हैं या फिर 2 का 1 करना है, इसलिए मैंने ये हाफ़ डबल क्रोशिया ले लिया। नेक्स्ट इसमें 3 आ गए, 3 में से मैंने निकाल लिया और फिर 2 का 1 कर लिया। यानी आप देख सकते हैं कि 2 का यहाँ पे सिर्फ ऊपर एक चेन आ चुकी है। मैं एक बार आपको फिर से बताती हूँ, पहले हम 7 डबल क्रोशिया ले लेंगे, 2 3 4 5 6 7। ये 7 आने के बाद नेक्स्ट जो है हमें, मैंने यहाँ से डाला, ये 3 आ गए, 3 धागे, 2 का 1 कर लिया, यहाँ पे 2 धागे हैं। नेक्स्ट वाले इसमें मैंने फिर से हाफ डबल क्रोशिया ले लिया, यहाँ पे 3 का मैंने 1 कर दिया, 2 धागे आ गए, और फिर ये
चेन आ गई। तो आप देख सकते हैं ऊपर एक चेन आ गई और ये दो का एक हो गया। ऐसे हम ये लाइन कंप्लीट करेंगे। आखिरी में दो डबल क्रोशिया बचे हुए थे, मैंने उसको कर लिया है। और अभी तीन चेन है लास्ट में, तो ऊपर वाली चेन में हमने स्लिप स्टिच से ये बंद कर देनी है। ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। हर बार हमें तीन चेन पहले डाल लेने हैं और फिर लाइन कंप्लीट करनी है। तो अभी हम इसका मेजरमेंट ले लेंगे। अभी फिर से हमें सात होने के बाद, डबल क्रोशिया सात होने के बाद फिर से हमें कम करना है। तो उसके लिए अभी हम ये मेजरमेंट ले लेंगे। अभी हमारा ये आ गया है, 4 इंच आ गया है। तो अभी हमें ये सिर्फ 6 इंच तक ही करना है, यानी हमें फिर से 1, 2, 3 और 4 चार लाइन में ये कंप्लीट करना है। इसलिए हमें ये 7 होने के बाद फिर से हम एक एक डबल क्रोशिया कम करेंगे। तो वो मैं लाइन आपको कंप्लीट करके बताती हूँ। तो देखिए मैंने ये लाइन भी कंप्लीट कर ली है। हमने पहले ज्वाइन किया, फिर यहाँ पे हमें 30 डबल क्रोशिया आ गए हमारे। फिर उसके बाद मैंने 7 डबल क्रोशिया के बाद एक कम किया। फिर उसके बाद फिर से मैंने 7 डबल क्रोशिया के बाद एक कम किया। अभी इसके बाद हमें 5 डबल क्रोशिया के बाद ही कम करना है, यानी ये स्लीव्स और छोटी हो जाएगी, क्योंकि अभी सिर्फ हमें 3 ही लाइंस बनानी है। इसलिए पहले हम कम करेंगे और आखिरी वाली लाइन हम वैसे ही जितने डबल क्रोशिया है उतने ही करेंगे। वो डार्क ब्लू कलर से मैं करने वाली हूँ। तो अभी देखेंगे हम कि 5-6 डबल क्रोशिया के बाद हम कम करेंगे। तो मैंने पहले 3 चेन ले लिया, उसको एक काउंट कर लिया, 2, 3, 4 और ये 5। ये होने के बाद हम कम करेंगे। आप इसको स्कीप कर सकते हैं, मैंने स्कीप नहीं किया है, क्योंकि छोटे बच्चों को जब हम पहनाते हैं स्वेटर उसमें छेद आ जाता है, इसलिए मैं ऐसे करके इसको कम कर रही हूँ। तो आप ऐसे करके देखिए। फिर उसके बाद 1, 2, 3, 4 फिर से 5। बड़ा स्वेटर रहा तो हमें लाइंस रिपीट करनी पड़ती है और हर बार हमें कम भी नहीं करना पड़ता है, उसकी लंबाई ज़्यादा रहती है, इसलिए हम देख सकते हैं। पांच हो गए हैं मेरे, मैंने ये कम कर दिया। फिर से हम 5 करके कम करेंगे और ये लाइन कंप्लीट हो जाएगी। 2, 3, 4 और ये 5। इसके बाद ये मैंने हाफ क्रोशिया ले लिया, नेक्स्ट वाले इसमें डाला, 3 का एक किया, 2 का एक किया। ऐसे करते हम ये लाइन कंप्लीट हो चुकी है। एक ही, सॉरी, 2 अभी डबल क्रोशिया बचे हुए हैं, वो हम कर लेंगे और इसको बंद कर देंगे। स्लिप स्टिच से हर बार मैं बंद कर रही हूँ और फिर नेक्स्ट इसमें 3 चेन ले लेनी है। देखिए ये हमारा ऐसे कंप्लीट हो चुका है। अभी हम फिर से इसको और एक डबल क्रोशिया से मैं 5-5 के बाद एक डबल क्रोशिया कम करूँगी और फिर जितने भी आएंगे उसमें हम डार्क ब्लू से एक लाइन, एक सिंगल डबल क्रोशिया की लाइन ले लेंगे। देखिए ये मैंने यहाँ पे डार्क ब्लू धागा ज्वाइन कर लिया है। ये जो 2 धागे हैं मैं ऐसे ही पकड़ के इसके पीछे दबा दूँगी, यानी ये नहीं आएगा बीच में। ये हम पूरी ऐसी बॉर्डर कर लेंगे। मैंने ये हाफ डीसी ले लिया है, हाफ डबल क्रोशिया डालते हुए मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी, यानी ये एकदम डार्क बॉर्डर आने से हमारा स्वेटर अच्छा भी लगेगा। दूसरी स्लीव्स भी हमें ऐसी ही कंप्लीट करनी है और मैं इसको पूरी एक बॉर्डर इसी तरह से यही
करने वाली हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये मैंने बॉर्डर कंप्लीट कर ली है। हम इसको काट लेंगे और फिर इसको यहाँ पे ज्वाइन करके पूरी बॉर्डर कंप्लीट कर लेंगे। अभी आप देख सकते हैं ये मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैंने दूसरी स्लीव्स भी उसी तरीके से की है, तो आप वो भी देख सकते हैं। हमारा ये पूरा स्वेटर कंप्लीट हो चुका है। तो अब अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।